बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पावर सप्लाई फ़िल्टर्स। बेसिकली फ़िल्टर क्या होता है ये हमने आज पढ़ना है। हमने इससे पहले डिस्कस किया कि किसी भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट में चेंज करने के लिए जो सर्किट हम यूज़ करते हैं वो रेक्टिफायर्स कहलाते हैं। हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा, फिर हमने फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा, और रेक्टिफाइड वोल्टेज में हमने देखा कि पल्सेटिंग, वो एक पल्सेटिंग डीसी होती है, उसमें पल्सेस होती हैं और उसमें वैल्यू जो है वोल्टेज की वो वेरी करती है। तो हमारी जो वो अप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, उनकी एप्लीकेशंस में हमें एक कांस्टेंट लेवल डीसी चाहिए होती है। तो एक पावर सप्लाई का काम क्या है कि वो हमें एक कांस्टेंट लेवल डीसी प्रोवाइड करे। तो पावर सप्लाई में सबसे पहले आप इनपुट देते हैं, उसके बाद वो इनपुट रेक्टिफाई होती है, रेक्टिफाई होने के बाद फिर वो फिल्टर्ड होती है, और उसके बाद वो रेगुलेटेड होती है। तो अब हम जिस स्टेज पे पावर सप्लाई की आ गए हैं वो फ़िल्टर की स्टेज है, यानी अब हमारे पास रेक्टिफाइड वोल्टेज जो है वो फ़िल्टर होगी, और जो सर्किट हम फिल्ट्रेशन के लिए लगाएंगे उसको हम पावर सप्लाई फ़िल्टर कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बेस करता है कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर पे, यानी हम कैपेसिटर को एक फ़िल्टर के तौर पे यूज़ करेंगे। पावर सप्लाई फ़िल्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लेते हैं। इन मोस्ट ऑफ द पावर सप्लाई एप्लीकेशंस द स्टैंडर्ड एसी लाइन वोल्टेज मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू डीसी लेवल इनटू कांस्टेंट डीसी। हमारी जो मोस्ट पावर सप्लाईज हैं उनमें एसी लाइन वोल्टेज जो है उसे डीसी में चेंज करना पड़ता है। अ पावर सप्लाई फिल्टर इज़ अ सर्किट दैट एलिमिनेट्स द फ्लक्चुएशंस इन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर की वोल्टेज में, आउटपुट वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उनको रिमूव करने के लिए जो सर्किट यूज़ होता है उसे आप फिल्टर कहते हैं। उसके बाद ये है कि फिल्टर क्या है। इट प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट डीसी वोल्टेज। फिल्टर्स आर यूजुअली इम्प्लीमेंटेड विद कैपेसिटर्स एंड द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द फिल्टर्ड आउटपुट वोल्टेज आर कॉल्ड रिपल्स। अच्छा, फिल्ट्रेशन के बाद भी कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस जो हैं वो रह जाती हैं सर्किट में, और उन फ्लक्चुएशंस को आप रिपल्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए फिगर है, रेक्टिफायर विदाउट अ फिल्टर। विदाउट अ फिल्टर आपके पास जो आउटपुट मिलती है उसको देखें, और उसके बाद आपने एक रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर अप्लाई किया, और उसके बाद आपने एक फिल्टर लगाया। फिल्टर होने के बाद जो आपको वोल्टेज मिलती है वो कैसी है ये आप देख सकते हैं। इसमें भी वेरिएशन है, लेकिन वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, वेरिएशंस जो है वो कम हो गई हैं। और इस तरह से ये इस तरह की जो वोल्टेज है उसको आप रिपल वोल्टेज कहते हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि हम थोड़ा सा इसमें इसका फिनोमेना डिस्कस करेंगे, ऑपरेशन डिस्कस करेंगे कि अगर आप रेक्टिफायर के साथ कैपेसिटर फिल्टर लगाते हैं तो किस तरह से कैपेसिटर जो है वो रेक्टिफाइड वोल्टेज को फिल्टर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्लॉक बना हुआ है, इसके अंदर समझे रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर को ये जो आपकी रेक्टिफायर को जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो कुछ इस किस्म की है, रेक्टिफाइड डीसी। अब ये रेक्टिफाइड डीसी जो है इसमें ये देखिए वेरिएशन किस तरह से है कि वोल्टेज ऐसे इंक्रीज करती है पहले, और उसके बाद वोल्टेज जो है वो क्या करती है, वो डिक्रीज करती है, फिर इंक्रीज करती है, फिर डिक्रीज करती है। तो इस तरीके से हमारा ये रेक्टिफाइड जो है डीसी बनती है, इसको हम रेक्टिफाइड डीसी कहते हैं। अब इस तरह की वोल्टेज जब कैपेसिटर पे अप्लाई होगी तो सपोज आपके पास सबसे पहले जो ये, अगर आप फिगर आपको नज़र आ रही हो तो आप देख लें कि यहाँ तक ये समझें, ये पीक वैल्यू,
पीक वैल्यू जो रेक्टिफाइड डीसी है उसकी पीक वैल्यू तक क्या होगा? ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर चार्ज होगा, यानी सपोज कैपेसिटर का कि ये प्लेट जो है ये पॉजिटिव साइकिल आया तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो गई है, और ये दूसरी प्लेट जो है ये ग्राउंडेड है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि जिस दौरान ये आपका इस तरह से इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव वोल्टेज इंक्रीज कर रही है और पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंची है, तो आपका कैपेसिटर भी फुली चार्ज हो गया, यानी ये कैपेसिटर इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया और ये पोटेंशियल डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा है, यहाँ तक के वो वोल्टेज जो है वो अपनी पीक वैल्यू तक पहुंच गई और कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो गया। अच्छा, अब देखें कि ये कैपेसिटर और इसके सामने जो ये लोड है, ये क्या है? लोड, ये एक रेजिस्टेंस है, हम इस पे रेक्टिफाइड आउटपुट लेंगे, ठीक है? तो ये जो लोड रेजिस्टेंस है, जो पोटेंशियल या जो वोल्टेज अपीयर होगी यहाँ पे, यानी कैपेसिटर की इस प्लेट पे, या समझ लें कि जो पोटेंशियल यहाँ पे अपीयर होगी इस पॉइंट पे, वो ही अपीयर होगी इस पॉइंट पे, ठीक है? यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम वोल्टेज, क्योंकि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों इस वक्त क्या है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तो जो पोटेंशियल या जो वोल्टेज अपीयर होगी इस प्लेट के अक्रॉस वही वोल्टेज अपीयर होगी इस एंड पे। अब शुरू में जब वोल्टेज समझें कि इस प्लेट के अक्रॉस ज़ीरो है तो लोड के अक्रॉस भी ज़ीरो है, जब प्लेट के अक्रॉस इंक्रीज़ की, मैं इसको ऑर्बिट्रेरी वैल्यू हम इसको दे देते हैं, मैं कहती हूँ कि अब 1 हो गई वोल्टेज, अब 2 हो गई, अब 3 हो गई, मैक्सिमम वैल्यू समझ लें कि 3 वोल्ट तक गई सपोज, तो 0 से लेकर 3 तक जो वोल्टेज इंक्रीज करती गई जैसे जैसे जो जो वैल्यूज़ आती गई वही वैल्यूज़ इसके अक्रॉस लोड के अक्रॉस भी आती गई, और आपको जो आउटपुट मिलेगा वो उसी तरह से आपको आउटपुट में भी वैसे ही वोल्टेज जो है वो, यानी ऐसे ये अगर आउटपुट में उसी तरह से वोल्टेज इंक्रीज करेगी। अच्छा, अब ऐसा है कि जब वोल्टेज डिक्रीज होना शुरू हो गई, ये देखें अब पीक वैल्यू से वोल्टेज नीचे आ रही है, वैल्यूज़ डिक्रीज कर रही हैं, जब वोल्टेज डिक्रीज हो रही है, अब जब वोल्टेज डिक्रीज हो रही है तो अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे वोल्टेज इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इस पॉइंट पे जब वोल्टेज डिक्रीज हो रही है तो आपका कैपेसिटर सपोज ये वोल्टेज 2 पे आ गई, ठीक है? आपका कैपेसिटर कहाँ कितनी वोल्ट तक चार्ज था? ये 3 वोल्ट तक चार्ज था, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे वोल्टेज अब इस वक्त कितनी हो गई? 2 वोल्ट हो गई, 2 वोल्ट पीछे से आ गई, यानी इतनी कम हो गई कि 2 वोल्ट पे आ गई। अब कैपेसिटर क्या करेगा? कैपेसिटर चार्ज तो नहीं होगा, अब कैपेसिटर का ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फ्लो होना शुरू हो जाएगा, किस तरफ को? इस तरफ को, यानी इस चीज़ को हम कहते हैं कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, कैपेसिटर जो है अब डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होने से उसका चार्ज जो है वो लोड में से फ्लो कर जाएगा, उसका जो चार्ज है वो लोड में से फ्लो करेगा, और पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल ये होगा कि चूंकि चार्जेस इस पॉइंट तक आएंगे तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो 2 नहीं हो सकेगा, चार्जेस फ्लो करके इस पॉइंट तक आ गए, आपको पता है कि पोटेंशियल किसको कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस। अब जब चार्जेस फ्लो करके इधर आ गए हैं तो जो वोल्टेज उसका कैपेसिटर जो वोल्टेज पीछे से डिक्रीज हो रहा था वो अब उतना डिक्रीज नहीं हुआ जितना कि पीछे से हो रहा है, यानी इधर से चार्ज आ रहा था, इधर से चार्ज अब कम आ रहा है, लेकिन कम आ रहा है, और यहाँ तक पहुँच के अब वैल्यू कम हो जानी चाहिए थी अगर कैपेसिटर ना होता, लेकिन अब कैपेसिटर है तो इधर से भी चार्ज इधर आया है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इन दोनों चार्जेस की वजह से, समझें कि अगर इसका पहले फुल जब वैल्यू थी तो अगर 3 था तो कम होने के बाद अब अगर 2 हो जाना था तो 2 नहीं हो पाएगा, ये 2.7 या 2.5 तक कहीं पे हो जाएगा, क्योंकि इधर कैपेसिटर ने भी इस जगह पे चार्ज भेजा, उधर से पीछे से भी चार्ज आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, तो दोनों अब कैपेसिटर जो है
उसकी वजह से ये पॉइंट उस पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा जिस पोटेंशियल को इसको बगैर कैपेसिटर के पहुंच जाना चाहिए था। तो आप यहाँ से यूँ समझें कि अब जो लोड के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी जो इस पॉइंट की है, फिर से देखें लोड के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी जो इस जहाँ टिक लगा हुआ है इस पॉइंट की वोल्टेज है, वही लोड के अक्रॉस वोल्टेज होगी। तो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज बिल्कुल ऐसे डिक्रीज हो जानी चाहिए थी, अब वो डिक्रीज नहीं होगी बल्कि थोड़ी सी डिक्रीज होगी, बस इतनी सी डिक्रीज होगी। और ये अब पीछे से वोल्टेज जो है वो मज़ीद कम हो गई, मज़ीद कम हो गई, बिल्कुल ये ऐसे ज़ीरो पे पहुंच गई। ठीक है, जो आपकी रेक्टिफाइड है वोल्टेज वो बिल्कुल किस पे पहुंच गई, ज़ीरो पे पहुंच गई। जब ये ज़ीरो पे पहुंच गई तो कैपेसिटर जो है इस पॉइंट को चार्ज दे रहा है, तो लोड के अक्रॉस जो है वो ज़ीरो नहीं होगी, लोड के अक्रॉस कम हो जाएगी लेकिन ज़ीरो नहीं होगी। और वो कितनी कम हुई वो देखें, वो इतनी कम हुई, इतनी। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस दौरान फिर से कैपेसिटर जो है ना वो चार्ज होना शुरू हो गया, फिर से पॉजिटिव जो है साइकिल शुरू हो गया और फिर से चार्ज इधर को आना शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि कैपेसिटर जो चार्ज दे रहा था उससे इस पॉइंट की वोल्टेज इंक्रीज होना शुरू हो गई, ऐसे ये इंक्रीज होना शुरू हो गई। और फिर क्या होगा कि जब कैपेसिटर पीछे से भी फिर से ये पॉजिटिव साइकिल अपना पीक पे पहुंच गया, ये पीक पे पहुंच गया आपका पॉजिटिव साइकिल, तो फिर से ये पॉइंट जो है ये फुली चार्ज हो गया। यानी जैसे मैंने आपको वैसे पहले कहा कि 3 वोल्ट पे पहुंच गया, तो फिर से अब ये यहाँ से जो रेक्टिफाइड आउटपुट है वो इस तरह से पहुंच गई, ये ऐसे। फिर से उसी तरह थोड़ा सा डिक्रीज होगी और फिर ऐसे करके इंक्रीज हो जाएगी। तो यूँ ये जिस वक्त पीछे से जो रेक्टिफाइड वोल्टेज है उसकी वैल्यू बियॉन्ड एक लिमिट डिक्रीज कर रही होंगी, तो लोड के अक्रॉस वैल्यू उतनी डिक्रीज नहीं करेगी बल्कि लोड के अक्रॉस एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो मेंटेन होगी। और उसकी वजह क्या है, ये कैपेसिटर है। अब हम देखते हैं कि इसकी सर्किट डायग्राम जो है वो किस तरह से होती है। कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, द फिल्टर इज सिंपली अ कैपेसिटर कनेक्टेड फ्रॉम द रेक्टिफायर आउटपुट टू ग्राउंड, आर एल रिप्रेजेंट्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ लोड। अब यहाँ से हम देखें ये सर्किट डायग्राम है। पहले आपके पास है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें उसका सर्किट बनाने के लिए हमें ये इनपुट पावर सप्लाई लगानी पड़ती है। इनपुट पावर सप्लाई आपने लगाई, उसके आगे आपने क्या लगाया, एक अदद डायोड लगा दिया। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है विद कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक डायोड लगा दिया और डायोड के साथ आपने ये देखें ये एक कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर के अक्रॉस जितनी वोल्टेज है दैट इज़ वी सी, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी सी कहलाती है। और यहाँ पे कैपेसिटर के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाया है इसको हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। ठीक है जी, ये एक लोड रेजिस्टेंस है और यहाँ से लोड रेजिस्टेंस का एंड और कैपेसिटर का ये एंड, ये दोनों क्या हैं, ये ग्राउंडेड हैं। अब क्या होगा कि कैपेसिटर जब चार्ज जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता जाएगा। और चूंकि आपके आने ही रेक्टिफाइड वोल्टेज में से सिर्फ पॉजिटिव साइकिल ही आते हैं, तो कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहती है और नीचे वाली प्लेट जो है वो ग्राउंड पे रहती है। तो इस तरह से पोटेंशियल का डिफरेंस, इस पूरी लाइन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है उस पूरी लाइन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पॉजिटिव माइनस ज़ीरो रहता है और वो पॉजिटिव के इक्वल ही रहता है, जितना पॉजिटिव के इक्वल हो। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि जब यहाँ से जब डायोड जो है ये कंडक्ट करता है तो कैपेसिटर जो है ये क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा। और जिस दौरान डायोड कंडक्ट नहीं करेगा उस दौरान कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा। और ये आपका हो गया हाफ वेव
रेक्टिफायर सर्किट विद अ कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। अब इसी तरह मैं एक फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट ले रही हूँ जो मैंने ब्रिज की शक्ल का ले लिया है। ये ब्रिज सर्किट के साथ भी हम कैपेसिटर को फिल्टर के तौर पे लगाएंगे, तो हम कैसे लगाएंगे? यहाँ से आप देखें कि ये 120 VRMS 60 Hz, ये एक वोल्टेज सप्लाई का नाम है, वोल्टेज सप्लाई की सारी डेजिग्नेशन है। और इस पे से जो प्राइम पहले ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, ट्रांसफार्मर को प्राइमरी मिल रही है, और ट्रांसफार्मर क्या दे रहा है आगे से, सेकेंडरी दे रहा है। तो सेकेंडरी जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर पे अप्लाई हुई है और इसकी इनपुट जो है वो सेकेंडरी है ब्रिज की। अच्छा, अब ब्रिज के बाद आउटपुट क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। रेक्टिफाई होने के बाद हमने कैपेसिटर कहाँ पे लगाया हुआ है, ये देखें, ये एक कैपेसिटर लगाया हुआ है। और इस कैपेसिटर की अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो ये करीबन 1000 माइक्रोफेरेट का आपने कैपेसिटर लगाया हुआ है, और इसका नंबर है IN4001। और लोड रेजिस्टेंस हमने कितनी वैल्यू का लगाया हुआ है, 220 ओम का लगाया हुआ है। तो ये एक फुल वेव रेक्टिफाइड सर्किट विद कैपेसिटर इनपुट फिल्टर है। अच्छा, अब इसके ऑपरेशन को यहाँ से भी देखते हैं। पहले मैंने आपको एक जनरल सा उसका ऑपरेशन बता दिया, अब यहाँ पे सर्किट डायग्राम के हवाले से देखते हैं। सबसे पहले ए फिगर में आप देखें, मैंने एक हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो सेलेक्ट किया है, उसका ऑपरेशन बताते हैं। तो सबसे पहले जो है वो टी नॉट टाइम पे वोल्टेज जो है आपका 0 है, टी नॉट टाइम पे वोल्टेज 0 है। फिर जो है वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, वोल्टेज इंक्रीज किया और मैक्सिमम वोल्टेज जो कैपेसिटर के अक्रॉस आया, जिस दौरान कैपेसिटर चार्ज हुआ है, वो मैक्सिमम वोल्टेज जो कैपेसिटर को मिली है वो कितनी है, VP इनपुट -0.7 वोल्ट। ये -0.7 वोल्ट डायोड का ड्रॉप है, यानी मैक्सिमम वोल्टेज आपको कितनी मिलेगी, जितनी इनपुट मिल रही है उसकी पीक में, पीक वैल्यू जो है उतनी नहीं मिलेगी, बल्कि उसमें से 0.7 माइनस करके कैपेसिटर को मिलेगी, यानी कैपेसिटर को बस मैक्सिमम इतना ही वोल्टेज मिलेगा और इस दौरान कैपेसिटर चार्ज होगा। अच्छा, अब जब कैपेसिटर चार्ज हो गया, पीक वैल्यू के बाद इनपुट वोल्टेज क्या हुई, डिक्रीज हुई, इनपुट वोल्टेज डिक्रीज कर गई। जब इनपुट वोल्टेज डिक्रीज हुई तो डायोड ने क्या किया, डायोड क्या हो गया, डायोड आपका उस पे उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डिक्रीज होना शुरू हो गई। अभी वोल्टेज, अभी डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में ही है, अभी डायोड याद रखें कि फॉरवर्ड बायसिंग में ही है, लेकिन उसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब जब डायोड के अक्रॉस वोल्टेज डिक्रीज हो रही है तो डायोड जो है उस वो भी आगे वोल्टेज कम दे रहा है। अब ऐसे में कैपेसिटर जो है वो क्या कर रहा है, वो डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा ऐसे, उसका इस तरह से रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो डिस्चार्ज होगा, यानी रेजिस्टर के थ्रू वो डिस्चार्ज होगा। वो इधर डायोड की तरफ उसका करंट नहीं आएगा, क्योंकि इधर से अगर करंट आएगा तो इस करंट के हवाले से ये डायोड जो है ये रिवर्स बायस्ड है, तो इसलिए करंट जो है वो डायोड में से नहीं गुजरेगा, बल्कि जो करंट कैपेसिटर देगा वो करंट जो है वो लोड रेजिस्टेंस में से गुजरेगा। तो जब कैपेसिटर करंट देगा और पीछे से भी करंट आएगा, तो इस पॉइंट का वोल्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, और जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगी। ये अब आप फिगर में गौर से देखें, टी नॉट टाइम तक ये चार्ज हुआ, अब बारी आ गई कि कैपेसिटर जो है ये जो वोल्टेज आपको लोड के अक्रॉस मिल रही है, ये देखिए ये कांस्टेंट सी वोल्टेज है, ये आपको उस वक्त मिल रही है जिस दौरान कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ तक कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा, क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, कैपेसिटर जो है इस दौरान ये डिस्चार्ज होता रहेगा। और आप देखें कि कब तक डिस्चार्ज होता रहेगा, जब तक टाइम जो है वो T2 ना आ जाए, बल्कि T2 से भी ज़्यादा। यहाँ पे जाके ये देखे पीछे से इनपुट जो है, अब कैपेसिटर जो है ये मैं इनपुट दिखा रही हूँ आपको, इनपुट में बस इतनी वैल्यू तक कैपेसिटर चार्ज होगा, और उसके बाद कैपेसिटर कब तक डिस्चार्ज होता रहेगा,
उसके बाद कैपेसिटर, जब ये इनपुट आ रही है, ये यहाँ था, और जब नेगेटिव साइकिल शुरू हो गया, नेगेटिव साइकिल में ये होगा ना कि पीछे से ही वोल्टेज आना नहीं, पीछे से ही वोल्टेज आएगी नहीं। अब इस दौरान लोड के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैपेसिटर का ही है। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, करीबन यहाँ तक, जब इतनी इनपुट आएगी, इतनी इनपुट तक, इतने टाइम तक जो कैपेसिटर है ना, वो क्या हो रहा है, वो डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर में से निकल रहा है। उसके बाद फिर जब फिर से वोल्टेज उतनी आ गई कि कैपेसिटर के पास उतनी वोल्टेज नहीं है, अब कैपेसिटर से ज़्यादा की पीछे से वोल्टेज आ रही है, तो फिर कैपेसिटर दोबारा से लेना शुरू हो जाएगा। बस ये याद रखिए कि जब तक कैपेसिटर जो है उसके, जब एक दफ़ा उसने जितना इकट्ठा कर लिया, जितना उसने चार्ज लेना था वो फुली चार्ज हो गया, उसके बाद वो अपने चार्ज को मेंटेन करता है, और जब पीछे से कम हो जाए चार्ज मिलना, पीछे से चार्ज आना कम हो जाए, तो फिर कैपेसिटर अपना देना शुरू कर देता है। और अगर पीछे से जो है बिल्कुल नहीं आ रहा, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में जब नेगेटिव साइकिल आता है तो डायोड कंडक्ट नहीं करता, तो पीछे से कोई चार्ज नहीं आता। जब पीछे से कोई चार्ज नहीं आ रहा, तब भी कैपेसिटर अपना चार्ज लोड को देता रहेगा, लोड के अक्रॉस वो मेंटेन करता रहेगा। इस देने की वजह से कैपेसिटर के अपने अक्रॉस जो प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। जब कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएगा, तो एक लेवल तक वो कम होगा, इतने में पीछे से दोबारा से पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाएगा वोल्टेज का, और दोबारा से वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी कैपेसिटर से इसको चार्ज ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगी, जितना कैपेसिटर उसके पास चार्ज स्टोर था उससे ज़्यादा की वैल्यू का चार्ज आ जाएगा, तो फिर वो लेना शुरू हो जाएगा, ताकि उसकी वो अपने मज़ीद बढ़ा ले, और फिर वो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, यानी वी पी इन माइनस 0.7 तक, फिर वो अपनी फुल जो है अपनी फुल वैल्यू या उसको फुल पोटेंशियल हासिल कर लेगा, और फिर पीछे से अगर कम भी हो जाए तो वो डिलीवर करता जाएगा। तो आउटपुट पे जो हमें वोल्टेज मिल रही है लोड के अक्रॉस, वो हमें इस तरह से एक थोड़ा सा डिक्रीज होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू से, एक पीक वैल्यू से वो थोड़ा सा डिक्रीज होती है, फिर वो पीक वैल्यू हासिल कर लेती है, फिर वो थोड़ा सा डिक्रीज होती है, फिर वो हासिल कर लेती है, यानी जो बहुत वेरिएशन थी वैल्यू में वो अब कदरे कम हो गई है। तो इसको आप कहते हैं फिल्टर्ड वोल्टेज, और इसमें कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम जो है उसका बहुत रोल है। क्योंकि कैपेसिटर से पहले रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए कैपेसिटर चार्ज तो जल्दी से हो जाएगा, लेकिन कैपेसिटर आगे रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसलिए उसका डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी बहुत स्लो स्लो वो डिस्चार्ज होता है। चार्जिंग टाइम उसका फास्ट है और डिस्चार्जिंग टाइम उसका स्लो है। डिस्चार्जिंग टाइम आपको पता है टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर का होता है, टी इज इक्वल्स टू आर सी। आर जो है वो रेजिस्टेंस होता है जिसके अक्रॉस कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, और सी जो है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है। तो जितनी हाई वैल्यू का आप कैपेसिटर यूज, यानी जितनी हाई कैपेसिटेंस का कैपेसिटर यूज़ करेंगे, उतना ही उसका डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो स्लो होगा, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज होगा और एक कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो मेंटेन करता रहेगा। जी, अब हम बात करेंगे रिपल वोल्टेज एंड रिपल फैक्टर के बारे में। रिपल वोल्टेज हमारी रेजिडुअल पीरियोडिक वेरिएशन है डीसी वोल्टेज में, यानी जब आपने ले ली फिल्टर्ड वोल्टेज ले ली, तो उस वो एक कांस्टेंट लेवल डीसी नहीं होती, बल्कि उसमें कुछ वेरिएशन होती है, उसकी वैल्यू वेरी करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और उन वेरिएशंस का जितना मैग्नीट्यूड होता है उस मैग्नीट्यूड को आप रिपल वोल्टेज कहते हैं। इट इज़ जनरली अनडिज़ायरेबल, जनरली ये अनडिज़ायरेबल है। और फिर ये है कि किसी फिल्टर की अफेक्टिवनेस कितनी है, यानी फिल्टर ने तो उस फिल्टर करना है डी कॉन्स्टेंट लेवल डीसी में लेके आना है अनफिल्टर्ड वोल्टेज को, तो वो किस हद तक ये कर पाया है, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए जो रेशियो आप फाइंड करते हैं वोल्टेजेस का, उसको आप रिपल फैक्टर कहते हैं।
तो रिपल फैक्टर को हम डिफाइन करेंगे वी आर पी पी डिवाइडेड बाई वी डी सी। वी आर पी पी यानी पीक टू पीक रिपल वोल्टेज। अगर ये नीचे आप फिगर में देखें, फिगर में जो आपको इंडिकेट किया हुआ है वी आर पी पी, यानी यहाँ से लेकर ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक, ये जो गैप है नीचे से ऊपर तक, इस गैप को का जो मैग्नीट्यूड है ये कहलाता है वी आर पी पी। यानी इसमें मैक्सिमम रिपल वोल्टेज जितना डिक्रीज करती है और मैक्सिमम जितना इंक्रीज करती है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जितना डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड रिपल वोल्टेज पीक टू पीक। ये वैल्यू, इस वैल्यू से हम वी डी सी को डिवाइड करते हैं। वी डी सी क्या है, आप अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो सेंट्रल लाइन है, ये जो एवरेज कांस्टेंट वैल्यू है, ये सेंट्रल जो लाइन है, अगर आप इस लाइन को फोकस करें तो इसका जितना मैग्नीट्यूड है दैट इज़ वी डी सी। तो इस लाइन से वेरिएशन आती है, रिपल वोल्टेज जो है इस लाइन से ऊपर भी जाती है, इस लाइन से नीचे भी आती है, तो ये वेरिएशन इसकी रिपल वोल्टेज कहलाती हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप डिवाइड करते हैं, इनका रेशियो लेते हैं, तो वो रिपल फैक्टर कहलाता है। द लोअर द रिपल फैक्टर द बेटर द फिल्टर। जितना रिपल फैक्टर कम होता है फिल्टर उतना ही अच्छा होता है। रिपल फैक्टर कैन बी लोअर्ड बाई इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द फिल्टर कैपेसिटर और इंक्रीजिंग द लोड रेजिस्टेंस। इसके अलावा हम रिपल फैक्टर को हम मज़ीद कम कर सकते हैं अगर हम फिल्टर में एक ऐसा कैपेसिटर इस्तेमाल करें जिसकी कैपेसिटेंस हाई हो, और जो लोड रेजिस्टेंस आप यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू को अगर बढ़ा दें, यानी कैपेसिटर की बढ़ा दें या लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दें, दोनों सूरतों में रिपल फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा। दोनों सूरतों में आपकी रिपल वोल्टेज डिक्रीज करेगी और उसके डिक्रीज करने की वजह से रिपल फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर, ये दो समझे के वोल्टेजेस हैं, दो हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेजेस हैं, हाफ वेव हैं दोनों की। अब इसमें क्या है, कैपेसिटर्स का डिफरेंस है। इसमें देखें कि जो ब्लू लाइन को चेक करें, ब्लू लाइन ऐसे शार्पली डिक्रीज कर रही है ऐसे, और फिर ब्लू लाइन जो है वो ऐसे इंक्रीज कर रही है और फिर डिक्रीज कर रही है। ठीक है, ये वेरिएशन है, ये रिपल वोल्टेज की वेरिएशन है। और दूसरी फिगर में जो बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं आ रहा, फिर उसी लिहाज से ये देखें ये निस्बतन कांस्टेंट है। तो इन दोनों फिगर्स में, इन दोनों में फ़र्क किसका है, कैपेसिटर का है। यहाँ पे पहली वाली ए फिगर में जो कैपेसिटर यूज़ हुआ है वो कम वैल्यू का, उसकी कैपेसिटेंस कम है, वो जल्दी से डिस्चार्ज होता है। और यहाँ पे दूसरी फिगर में देखें तो दूसरी फिगर में जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू लार्ज है, और लार्ज वैल्यू वाले कैपेसिटर का मतलब है लार्ज टाइम कांस्टेंट। लार्ज टाइम कांस्टेंट का मतलब है स्लोली डिस्चार्जिंग। अच्छा, अब इसी तरह हाफ वेव और फुल वेव का मुआजना करें कि कौन सी वोल्टेज जो है फुल वेव और हाफ वेव की सूरत में कैपेसिटर फिल्टर लगा के, एक जैसा कैपेसिटर फिल्टर लगाएं दोनों सर्किट्स में, और फिर हम देखते हैं कि कौन सा वाला जो जिस किस में रिपल फैक्टर कम है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज एंड फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज, इनमें टाइम पीरियड का फ़र्क होता है और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। ये देखें, हाफ वेव में सेम टाइम पीरियड में आपको वोल्टेज की वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, कि आपके पास सिर्फ पॉजिटिव साइकिल मिलता है और उसके बाद एक काफ़ी टाइम गुजरने के बाद अगला साइकिल आता है। जबकि फुल वेव में जो टाइम पीरियड है उसी टाइम पीरियड में दो साइकिल आ चुके होते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो अगर सिर्फ एक वेरिएशन का या एक साइकिल का, वन साइकिल का अगर आप टाइम पीरियड देखें, तो फुल वेव के लिए वो टाइम पीरियड बहुत कम है और हाफ वेव के लिए वो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी के लिहाज से देखें, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज़ ट्वाइस दैट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी हाफ वेव के मुकाबले में ट्वाइस हो जाती है। नीचे वाली फिगर में देखें,
हाफ वेव रेक्टिफायर में जब कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग का टाइम, ये देखिए कैपेसिटर बहुत देर तक डिस्चार्ज हो रहा है, और इस तरह से आपको जो ये जो डिस्चार्जिंग स्लोप है ये बहुत ज़्यादा है, जबकि दूसरे वाले में देखें इसमें बहुत कम टाइम के लिए डिस्चार्ज होता है फिर चार्ज होता है। जितना ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में गैप आता है उतनी ज़्यादा रिपल होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज में का रिपल फैक्टर जो है वो बड़ा होगा और फुल वेव रेक्टिफायर वोल्टेज का रिपल फैक्टर जो है वो छोटा होगा, स्मॉल होगा। अच्छा, अब हमने एक फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज ली और हम इसका रिपल फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर विद अ कैपेसिटर इनपुट फिल्टर द रिपल अराइजेज ड्यू टू कैपेसिटर डिस्चार्ज बिटवीन द पीक्स ऑफ द रेक्टिफायर आउटपुट। पीक्स के दरमियान जब पीक्स आती हैं रेक्टिफाइड वोल्टेज की, उस दौरान जो कैपेसिटर का डिस्चार्ज होना है, एक पीक से दूसरी पीक के दौरान कैपेसिटर क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। तो जिस दौरान कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है उस दौरान जो है वो जो वोल्टेज की वो किस तरह से डिस्चार्ज होता है, उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज डेवलप होती है, ये चीज़ रिपल का बायस बनती है, यानी ये रिपल वोल्टेज का बायस है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें रिपल फैक्टर कैलकुलेट करना है तो जिस दौरान कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा हो उसमें से हम जो है वो रिपल वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है तो उसका उसके अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होती है वो आपको पता है कि जब भी कोई कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो ये रिलेशनशिप है जिसके अकॉर्डिंग कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज अपीयर होती है, कोई भी कैपेसिटर हो। इन जनरल ये इक्वेशन है वी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वी इज इक्वल्स टू वी पी, ये मैक्सिमम वोल्टेज जो उसको मिल रही है, वी पी रेक्टिफाइड हम इसको यहाँ पे, इन दिस केस हम इसको वी पी रेक्टिफाइड कहते हैं, लेकिन इन जनरल इसको आप वी नॉट या वी मैक्सिमम कुछ भी कह सकते हैं। ई रेस्ट पावर माइनस टी ओवर आर एल सी, इसमें ई रेस्ट टू पावर माइनस टी ओवर आर एल सी ये इसका एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, यानी जो वोल्टेज है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। जब किसी चीज़ को एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता होना बताएं तो फिर हम इस तरह से बता सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि हम कहते हैं कि रिपल जो है वो बहुत ही स्मॉल, अगर हम कंसीडर करें कि जो हमारी रिपल वोल्टेज है वो बहुत स्मॉल है, तो इसका मतलब है कि टी रेस टू पावर माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी ओवर एल आर सी, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं और इसको एक्सपेंड करके हम इसमें हायर टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं। तो जब हमने इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक्सपेंड किया तो ये बन गया 1 माइनस टी ओवर आर एल सी, और उसके बाद हायर टर्म्स आएंगी जो हमने निग्लेक्ट करनी। तो अब ये वैल्यू ऊपर वाली वोल्टेज में पुट करें, वी इज इक्वल टू वी पी रेक्टिफाइड 1 माइनस टी ओवर आर एल सी। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप इसको खोल लें, इस फॉर्मूले को खोल लें, तो ये बन जाएगा वी पी रेक्टिफाइड माइनस वी पी रेक्टिफाइड टी डिवाइडेड बाय आर एल सी। अब इसमें इस कैपेसिटर के अक्रॉस ये जो टी डिवाइडेड बाय आर एल सी इंटू वी पी रेक्टिफाइड होगा, ये बेसिकली आपकी रिपल वोल्टेज है। ठीक है, ये रिपल वोल्टेज है जो पीक रेक्टिफाइड में से माइनस हो रही है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि वी आर पीक टू पीक इज इक्वल्स टू टी ओवर आर एल सी वी पी रेक्टिफाइड। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप इस फिगर में देखें, साथ वाली जो फिगर है, टोटल टाइम ऑफ डिस्चार्ज क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वो टाइम है जिसमें एक कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, ये टोटल टाइम ऑफ डिस्चार्ज है जो हम फॉर्मूला में यूज़ कर रहे हैं। ठीक, लेकिन जब एक पीक से दूसरी पीक का टोटल टाइम क्या कहलाता है, एक साइकिल का टाइम पीरियड कहलाता है। तो ये जो है ये वाला टाइम टाइम पीरियड है। अगर आप देखें तो डिस्चार्जिंग टाइम और जो टाइम पीरियड है उसमें जो डिफरेंस है वो बहुत ही स्मॉल है, तो इसलिए हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि टी डिस्चार्जिंग इज़ नियरली इक्वल्स टू टी, यानी जो टी आप यहाँ पे यूज़ करें दैट इज़ नियरली इक्वल टू टाइम पीरियड। तो इस फॉर्मूले में इसलिए यहाँ पे हम टाइम पीरियड ले आए हैं। तो टाइम पीरियड इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1 ओवर f, हम इसको फ्रीक्वेंसी की शक्ल में ले आएँ तो आपके पास वी आर पी पी हो गया
वन ओवर एफ आर एल सी वी पी रेक्टिफाइड। ठीक है जी, इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब हमने वी आर पी पी तो फाइंड कर ली, अब हमारे पास आ गई वी डी सी। वी डी सी किसको कहते हैं? वी डी सी अगर आप इस फिगर में देखें तो पहले भी मैंने बताया कि ये जो एक कांस्टेंट लेवल्स लाइन सेंटर से गुजर रही है इसको आप कहेंगे वी डी सी। तो अब गौर से देखें, सबसे ऊपर वाली लाइन वी पी, ठीक है, और उसके बाद ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नीचे वाली लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? वी पी वी आर पी पी पी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है ये है वी आर पी पी। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की वोल्टेज को कहेंगे वी आर पी पी, तो फिर ये कितनी है? ये जो इसके सेंटर में आ रही है इसको आप क्या कहेंगे? वी आर पी पी डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, वी आर पी पी डिवाइडेड बाय टू। तो अब आप जो है वो इस लाइन तक कैसे पहुँचेंगे? ये जो सेंटर वाली लाइन वी डी सी है, वी डी सी, इस तक आप कैसे पहुँचेंगे? आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले ऊपर जाएंगे, इसको आप कहेंगे वी पी रेक्टिफाइड, ठीक है, और उसमें से ये इतना गैप, पूरा गैप है तो वो है वी आर पी पी, और इतना सा जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये गैप क्या कहलाएगा? वी आर पी पी डिवाइडेड बाय टू। इसको माइनस कर देंगे, जब आप इसको माइनस कर देंगे इस गैप को, तो फिर आपके पास जो है आ जाएगी वी डी सी। समझ आ रही है? ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली ले आए हैं, ऊपर वाली टॉप लाइन तक वैल्यू है वी पी रेक्टिफाइड, वो जो गैप है उस गैप की टोटल वैल्यू, उस गैप की ऊपर जो ऊपर वाली लाइन और थर्ड वाली लाइन जो है, फर्स्ट और थर्ड वाली लाइन के दरमियान जो गैप है वो है वी आर पी पी, और उस गैप के सेंटर तक जो वैल्यू है उसको आप कहेंगे वी आर पी पी। तो फिर टोटल वोल्टेज जो है वो नीचे से इस तक कितनी हुई? यानी बेसिकली आपको ये फाइंड करनी है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक आपको वोल्टेज फाइंड करनी है, तो वो कितनी होगी? वी पी रेक्टिफाइड माइनस वी आर पी पी डिवाइडेड बाई टू। अब ये थोड़े से मैथमेटिकल स्टेप हैं, इसमें पिछली वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास इस तरह से वी डी सी की वैल्यू आ गई। अब आप जब आपको रिपल फैक्टर कैलकुलेट करना होगा तो आप ये जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे और इससे रिपल फैक्टर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप आर एल और सी को इंक्रीज़ कर दें, आर एल या सी को इंक्रीज़ करें, रिपल वोल्टेज डिक्रीज़ कर जाएगी। अगर रिपल वोल्टेज डिक्रीज़ करेगी तो रिपल फैक्टर डिक्रीज़ कर जाएगा, और इसी तरह अगर वी डी सी को इंक्रीज़ कर दें तो भी रिपल फैक्टर जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो रिपल फैक्टर को डिक्रीज़ करने के ये तरीके हैं। ये एक प्रॉब्लम आ गई लास्ट में। प्रॉब्लम जो है इसमें आपने फाइंड करना है, इसमें है ये सारा सर्किट दिया हुआ है, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 60 हर्ट्ज़, और इनपुट वोल्टेज 120 वीआरएमएस है, और टर्न रेशो दिए हुए हैं, उसके लिहाज से आप सेकेंडरी वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, सेकेंडरी वोल्टेज आपको इनपुट में यूज़ होगी, और फिर आपने डायोड्स जो हैं वो उनके अक्रॉस रेक्टिफाइड लेनी है, रेक्टिफाइड वोल्टेज के बाद आप कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं और आरएल यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रांसफार्मर टर्न रेशो जो है वो 0.1 बन रही है, यानी कि 1/10 0.1 हो गई। पीक प्राइमरी वोल्टेज आपके पास क्या आएगी? प्राइमरी वोल्टेज की पीक आ जाएगी 1.414 वीआरएमएस होती है इसकी वैल्यू। तो आपने वीआरएमएस जो पीछे 120 दी हुई है उसके साथ 1.41 को मल्टीप्लाई किया, 170 वोल्ट आ गई। पीक सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो होती है एन वी पी प्राइमरी। तो फिर आपने इससे अपने सेकेंडरी वोल्टेज की पीक फाइंड कर ली और वो आ गई 17 वोल्ट। उसके बाद आपके पास अनफिल्टर्ड पीक फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज है, अनफिल्टर्ड फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज जो अनफिल्टर्ड है उस पर आप आउटपुट के लिए आप क्या लगाते हैं? वी पी सेकेंडरी माइनस वन, क्योंकि ये ब्रिज है तो इसमें से माइनस होगा 1.4 वोल्ट, 0.7 नहीं होगा, वन पॉइंट माइनस होगा 1.4 वोल्ट। तो ये आपके पास ब्रिज की पीक रेक्टिफाइड वोल्टेज की वैल्यू आ गई। जब आपके पास ये आ गई तो अब आप इसमें से वी आर पी पी फाइंड कर सकते हैं।
और फिर आपने क्या फाइंड किया, VDC फाइंड की, और दोनों फाइंड करने के बाद आपके पास रिपल फैक्टर आ गया, दैट इज़ इक्वल्स टू 0.039। तो इसमें कितने परसेंट रिपल हुई, 3.9% इसमें रिपल है, यानी DC लेवल से 3.9% इसमें रिपल है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है।